नमस्कार, वेलकम टू संजीव कपूर किचन। मेरी किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और ऐसी एक रेसिपी जो सबकी फेवरेट है, और जाहिर सी बात है मेरी भी फेवरेट है। मेरे घर में जब भी लोग आते हैं तो ये रेसिपी हमेशा बनती है। नहीं, हमेशा तो नहीं, मतलब बहुत बार बनती है। अब बहुत बार कौन सी रेसिपी बन सकती है? जी हाँ, बिरयानी की रेसिपी। अब बिरयानी जो है वो बनाने में मेहनत तो लगती है, लेकिन बिरयानी बना कैसे सकते हैं? बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले ये जो बिरयानी है इसके लिए मुझे चावल पकाने हैं। तो इसके लिए आप बढ़िया चावल ले लें, बासमती चावल। और ये जो बासमती चावल हैं ये लेकर इसे उबालना है हमें। तो ये पानी मैंने यहाँ पर लिया है और पानी उबलने के लिए रखा है। बस पानी में ये बासमती चावल भीगे हुए, और ये जो बासमती चावल हैं अच्छी क्वालिटी के लें, लॉन्ग ग्रेन लें, खुशबू अच्छी आती है। और उसके साथ साथ बासमती चावल को करीब एक घंटे तक या बढ़िया से भिगो के रखें और फिर इसे पकने के लिए रख देते हैं। हाँ, ध्यान ये देना है कि इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है हमें, थोड़ा कच्चा रखेंगे। चलिए देखते हैं क्या करना है। इसमें थोड़ा नमक भी डाल देता हूँ मैं, ये जो है नमक इसके अंदर, और इसे पकने देते हैं। चलिए, और क्या करना है मुझे, मुझे ये थोड़ी हरी मिर्च काटनी है। और ये जो हरी मिर्च है ये काट ली। और अब ये जो है हमें मैरिनेड तैयार करना है एक। और ये मैरिनेड क्या होगा देखते हैं। ये जो मैरिनेड है ये मेरे पास एक है टेंडराइजर। ये क्या चीज़ है? ये है कच्चा पपीता, उसकी पेस्ट की हुई है। ये बाज़ार में मिल जाता है, पका हुआ नहीं, और ये किसी भी चीज़ को गला देता है। तो ये किस लिए हमें इस्तेमाल करना है मैं आपको बताता हूँ। ये हम बनाएंगे कच्चे गोश्त की बिरयानी। जी हाँ, कच्चे गोश्त की बिरयानी। जी हाँ, कच्चे गोश्त की बिरयानी इसलिए क्योंकि इसमें जो है चावल हम लेंगे पका हुआ और गोश्त जो है वो लेंगे कच्चा, इसलिए। और अब ये गोश्त लेके बोन के साथ में इसमें हम डाल देते हैं ये कच्चा पपीता, इसकी पेस्ट की हुई। अच्छा, ये तब इस्तेमाल करना है जब आपको लगे कि जो मीट आप इस्तेमाल करते हैं उसको गलने में बहुत समय लगता है, तो तब ज़रूर इस्तेमाल करें आप इसको। और ये लगा कर इसे ढक कर फ्रिज के अंदर रख दें 8-10 घंटे के लिए। जी हाँ, फिर उसको इस्तेमाल करें। अच्छा, साथ साथ जो चावल हैं उसको ज़रूर ध्यान रखें कि ज़्यादा नहीं पकाने। खैर, अभी तो समय लगेगा इसका। ओके, और अब क्या करना है? अब इसके अंदर बाकी सारी चीज़ें हमने डालनी हैं। हरी मिर्च इसके अंदर डाल देते हैं। ये लीजिए हरी मिर्च इसके अंदर। अब ये जो है इसके अंदर हमें बाकी सारी चीज़ें डालनी हैं। इसमें हम डालते हैं ये नमक, नमक इसके अंदर, उसके साथ साथ इसमें हल्दी पाउडर, और इसमें हम डालते हैं लाल मिर्च पाउडर। कितना तीखा आपने बनाना है उसके हिसाब से इसमें डालें। और फिर इसमें हमें डालना है अदरक, ये अदरक का पेस्ट, ये लीजिए लहसुन का पेस्ट, ये इसके अंदर। अच्छा, चावल पर ज़रूर ध्यान रखें। और क्या इसमें डाला जाए? हाँ, इसके अंदर बहुत ही ज़रूरी चीज़, और वो ये प्याज, स्लाइस्ड प्याज फ्राई किया हुआ, ये इसके अंदर डालें। और उसके साथ साथ गुलाब की पत्तियां सूखी हुई, तो ये इसके अंदर। अच्छा, खुशबू के लिए इसके अंदर थोड़ा धनिया पुदीना भी डालना है, वो भी ले लेते हैं। लेकिन उससे पहले ज़रा चावल पे ध्यान दें, चावल ज़्यादा नहीं पकना चाहिए। हाँ, ये देखिए ये जो चावल है बस हाफ डन हो चुका है, इतना ही हमें चाहिए ये चावल पका हुआ। तो चावल को मैं बंद कर देता हूँ। ज़रा धनिया पुदीना कहाँ है? धनिया पुदीना ये रहा, धनिया और पुदीना, वाह, ये लेते हैं। चावल को पानी में से निकालना है, लेकिन पहले पुदीने और धनिया की पत्तियाँ इसके अंदर। बिरयानी और जो पुदीना है वो आपस में इसका जो मेल जोल है बहुत ही कमाल का है। अगर बिरयानी के अंदर पुदीने का स्वाद नहीं आए तो ऐसा लगता है बिरयानी में
कुछ तो कहीं कमी रह गई है। अब वैसे तो बिरयानी के अंदर इतने सारे फ्लेवर्स होते हैं कि कई बार पता नहीं चलता कि क्या क्या डाला है, लेकिन कुछ फ्लेवर्स ऐसे हैं जो बड़े डिस्टिंक्ट होते हैं, जैसे पुदीने का फ्लेवर। ओके, ये हो गया पुदीना। और धनिया काट के या तोड़ के, ये इसके अंदर। और अब ये सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है हमें। ये जितना है सब मटन के साथ मिला लेना है, अच्छी तरह से मिलाएं इसे, ताकि ये जो है सब चीज़ें, सारे मसाले, धनिया, पुदीना, गुलाब की पत्तियाँ, प्याज तले हुए, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट और मटन जिसमें हमने पहले से कच्चा पपीता लगाया था, ये अच्छी तरह से मिक्स करके रख देते हैं। और ये जो चावल हैं ये ले लेते हैं, और चावल को अब हमने स्ट्रेन कर देना है। तो ये छन्नी मैंने ली हुई है, कोलैंडर ले लें आप, छन्नी ले लें, और चावल स्ट्रेन कर देना है। ये चावल ये लीजिए, ये देखिए, वाह, चावल जो है ये पके हैं लेकिन थोड़ी कसर इसके अंदर अभी है। तो ये चावल लेकर इसमें बस अब फटाफट हमें तैयारी करनी है इसे पकाने की। तो ये मेरे पास पैन और ये जो मटन है ये लेकर इसकी लेयर मटन की, ये हो गया मटन। भाई वाह, ऐसे ये जो कच्चे गोश्त की बिरयानी है ये सबसे बढ़िया कहाँ मिलती है? वैसे तो बहुत सारी जगहें हैं, वैसे जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, भाई मेरी किचन है तो मेरी पसंद की बात होगी, मुझे जो पसंद है वो है हैदराबाद की। तो ये जो कच्चे गोश्त की बिरयानी है ये है हैदराबाद से। तो इसमें मटन को हमने मैरिनेट किया हुआ, और उसके बाद हमने इसमें अच्छी तरह से ये डाल दिया। अच्छा, ये जब मैरिनेट करके थोड़ा गरम मसाला डालना था, मैंने डाला नहीं, तो अभी डाल देता हूँ, घबराने की बात नहीं है। ये गरम मसाला पाउडर डाल दिया। अच्छा, अब जो है ये चावल हमारे पास गर्मा गर्म जो चावल हैं ये लेकर, अच्छा इसमें थोड़े कुछ गरम मसाले डालने हैं। तो ये देखिए इसमें मैं क्या क्या डाल रहा हूँ, इलायची डाल रहा हूँ, इसके साथ साथ इसमें थोड़ी लौंग, उसके साथ साथ ये देखिए काली मिर्च, शाही जीरा, और उसके साथ मोटी इलायची, ये दालचीनी। ये जो हैं सारी चीज़ें ये चावल के साथ कर दी मिक्स। और ये जो चावल है ये इसके ऊपर, ये लीजिए, नीचे जो मीट है वो कच्चा है, चावल पके हुए हैं, ना जाने ये कैसे बनेगी बिरयानी। घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत बढ़िया ये बिरयानी बनती है। और इसके बाद ये जो है मेरे पास प्याज फ्राई किया हुआ, तला हुआ स्लाइस्ड प्याज, ये इसमें, और गरम मसाला पाउडर ये ले लेते हैं। भाई बिरयानी में जब तक खुशबू नहीं आएगी तब तक क्या मज़ा। और ये जो खुशबू है बड़ी कॉम्प्लेक्स खुशबू होती है, क्योंकि इसमें इतने सारे फ्लेवर्स होते हैं, इतने सारे टेस्ट होते हैं। अब ये है मेरे पास ये रोज़ गुलाब जल, ये इसके अंदर, उसके साथ साथ इसमें केवड़ा, केवड़ा जल, ये ज़्यादा ना डालें नहीं तो ये जो कड़वा कर सकता है। अच्छा, और क्या डालना है हमें, ताज़ी पुदीने की पत्तियाँ, मिंट लीव्स, ये तो ये मिंट बड़ी रिफ्रेशिंग सी हर्ब है और बहुत आसानी से उग जाती है, घर में आप आसानी से उगा सकते हैं। थोड़ा धनिया, धनिए के पत्ते इसमें, और इसके साथ साथ इसमें हम डालते हैं ये सैफरन। सैफरन को दूध में घोल के रखा हुआ है हमने, केसर,
अब चाहे वो कश्मीर का हो या ईरान का हो, केसर को गरम दूध के अंदर डालकर इसके अंदर और फिर इसके अंदर घी, मक्खन या घी वो डालें। अच्छा देखें, आपने जो मटन है वो तो ऐसे ही हमने लिया था, लेकिन मॉइस्ट बनाने के लिए। और अब इसमें गुलाब की पत्तियां और कुछ, इसमें मैं डालता हूँ अदरक कटा हुआ, अदरक लंबा पतला कटा हुआ। ये देखिए क्या बढ़िया बेहतरीन बिरयानी तैयार हो रही है। और अब इस पे हम रख देते हैं ये ढक्कन और इसे पकने देते हैं। और ये पकने में काफ़ी समय लगता है, काफ़ी क्या, खैर करीब अराउंड 45 मिनट्स, 45 मिनट तक लग सकते हैं। लेकिन इतना समय लगने के बाद भी आपको ध्यान सिर्फ इतना देना है कि ये जो बिरयानी है इसमें से भाप ना निकले। अब वो कैसे नहीं निकलेगी, अब इसमें तो इसे सील करना पड़ेगा। ध्यान ये रखना है कि बस इसे सील अच्छी तरह से करें। तो ये गूंदा हुआ आटा ये लेकर, मैं वही जो रोटी वाला आटा है वो लेकर इसको इस तरह से ले लें और इसे हमने सील करना है। ये लीजिए, इसमें एक तो भाप भी नहीं निकलती और उसके साथ साथ ये जो बिरयानी है ये सांस भी ले सकती है। मैं बात कर रहा हूँ सांस लेने की, जी हाँ, इट कैन ब्रीद। अब मैं इसको प्रेस कर देता हूँ ताकि बिल्कुल भी इसमें से बाहर ना जाए। अच्छा, ये जो ऊपर एक लग रहा है इसके थ्रू भी ना जाए तो ये लीजिए। और अब इसको इसी तरह से करीब मीडियम हीट पे पहले और फिर धीमी आंच पर इसे पकने दें अराउंड 45 मिनट, और उसके बाद खोले नहीं इसे, वैसे ही रहने दें करीब 15 मिनट तक। अच्छा, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो है इसमें आंच काफ़ी तेज़ लग सकती है तो उस केस में आप क्या करेंगे भाई, इसकी आंच कम करने के लिए पुराने ज़माने में क्या होता था कि ऊपर कोयले डाल दिए जाते थे, धीमी आंच पे इसे पकाया जाता था, या इसे आप ओवन में भी पका सकते हैं। नहीं तो मैं क्या करता हूँ, एक तवा नीचे रख देता हूँ ताकि डायरेक्ट हीट ना लगे। तो तवा नीचे रख देते हैं, ये रहा तवा, ये इसके ऊपर और मीडियम हीट के ऊपर रखता हूँ मैं, ये लीजिए, और इसे पकने दें करीब 45 मिनट्स टू 50 मिनट्स, और उसके बाद 15 मिनट ऐसे ही रहने दें। इतनी देर में जो मटन है वो गल जाएगा, और वैसे भी हमने उसमें पपीते की पेस्ट लगाई थी, गारंटेड गलेगा। और फिर चावल भी पके हुए, मटन भी पका हुआ, और ढेर सारे जो हमने फ्लेवर्स डाले हैं, वाह, ये सारी चीज़ों के साथ में अब सैफ्रन का टेस्ट, उसके साथ साथ पुदीना, उसके साथ साथ गरम मसाला, ढेर सारे गरम मसाले और बासमती की अपनी खुशबू, मुझसे तो रुका नहीं जा रहा। खैर भाई, फेवरेट रेसिपी मेरी है, और आप बनाएंगे इसे, सर्व करेंगे बुरानी के साथ में, तो आपकी भी फेवरेट हो जाएगी बिरयानी। इसके लिए हमें चाहिए 750 ग्राम मटन के पीसेस, 1.5 कप बासमती चावल पानी में भिगा हुआ, 2 बड़े चम्मच पपीते की पेस्ट, तलने के लिए तेल, 4 प्याज बारीक कटे हुई, 1.5 कप दही, 1 कटी हुई हरी मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1.5 बड़े चम्मच अदरक की पेस्ट, 1 बड़ा चम्मच लहसुन की पेस्ट, 2 बड़े चम्मच गुलाब की पत्तियां, 1/2 कप पुदीने के पत्ते, 1/2 कप हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 3 छोटी इलायची, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, 3 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 7-8 काली मिर्चें, 1/2 छोटा चम्मच केवड़ा, 1/2 छोटा चम्मच गुलाब जल, 3 बड़े चम्मच देसी घी, 1/2 छोटा चम्मच शाही जीरा, कुछ पत्तियां केसर की, 2 बड़े चम्मच दूध, 1 बड़ा चम्मच अदरक पतला और लंबा कटा हुआ, और ढक्कन सील करने के लिए आटा। इसे बनाने के लिए मटन के पीसेस के अंदर पपीते की पेस्ट डालकर मिलाएं और इसे फ्रिज के अंदर 8-10 घंटे के लिए रख दें। और अब गरम तेल के अंदर प्याज डालकर तलें और इसे निकाल लें। और अब मैरिनेटेड मटन के अंदर दही, हरी मिर्च, नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अदरक की पेस्ट, लहसुन की पेस्ट, आधी तली हुई प्याज, 1 बड़ा चम्मच गुलाब की पत्तियां, 1/4 कप पुदीना, 1/4 कप हरा धनिया और गरम मसाला डालकर मिलाएं
और इसे एक बार फिर ढककर फ्रिज के अंदर करीब 30 मिनट तक मैरिनेट करें। और अब एक पैन के अंदर 6 कप पानी डालें, इसके अंदर नमक डालकर इसे उबाल लें। उसके बाद इसके अंदर चावल डालें और जब चावल आधे पक जाएं तब इसे छानकर निकाल लें। और इसके साथ इसके अंदर छोटी इलायची, दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची, काली मिर्चें, 1/4 छोटा चम्मच गुलाब जल, 2 बड़े चम्मच देसी घी और शाही जीरा डालकर छिड़कें और इन सब चीजों को मिला लें। केसर को दूध के अंदर भिगोकर रख दें। और अब एक बड़े पैन के अंदर पहले मटन की परत लगाएं, उसके ऊपर चावल की परत लगाएं, फिर तली हुई प्याज, केवड़ा, पुदीना, धनिया, केसर, घी, गुलाब की पत्तियां और अदरक डालें और इसे ढककर आटे से सील करें। इसके बाद इसे तवे पर रखकर धीमी आंच पर करीब 45 मिनट तक दम पर सेकें और फिर इसकी आंच बंद करके 15 मिनट तक और रखें और उसके बाद इसे रायते के साथ गर्मा गर्म सर्व करें।